हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास की एक पोएम, और पोएम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये लिखी गई है किट राइट के द्वारा। तो चलो करते हैं आज की पोएम की शुरुआत। शुरुआत में इसमें कहा जा रहा है, दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। आज सुबह क्या हुआ, एक कैट जो है वो हमारे गार्डन में जो पेड़ है वहां पे स्टक फंस गई, और डैड ने कहा राइट जस्ट लीव इट टू मी, इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे बहुत ही आसानी से उतार दूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, कवि ये कह रहा है कि आज हमारे घर में जो पेड़ है उसमें एक बिल्ली फंस गई, और डैड ने कहा कि मैं इसे बहुत ही आसानी से नीचे उतार दूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। द ट्री वॉज वॉबली, वो जो पेड़ जो था वो थोड़ा हिलता जुलता जैसा था, कमजोर जैसा था। द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ जो था वो बड़ा ही लंबा था। मम सेड, मेरी मॉम ने कहा फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल, अच्छाई के लिए भगवान के लिए आप गिर मत जाना। तो पिताजी जो है पेड़ पे बिल्ली को उतारने के लिए तैयार हैं, और ये लड़की जो कह रही है कि आप भगवान से रिक्वेस्ट है कि आप पेड़ पे बिल्ली को उतारते वक्त आप गिर मत जाना, क्योंकि इस पेड़ का कोई भरोसा नहीं है। फॉल स्कॉफ डेड, ए क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। पिताजी ने हंसते हुए कहा, स्कॉफ का मतलब है मुस्कुराते हुए हंसते हुए, कि मैं गिर जाऊंगा, ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह का क्लाइंबर, मैं पेड़ों पे बहुत ही आसानी से चढ़ता हूँ, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये मेरे लिए एक बच्चों का खेल है, यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। पिताजी इस बात पे हंसने लगे और कहने लगे तुम चिंता मत करो, ये मेरे लिए बहुत सरल काम है, बच्चों का खेल है, मैं अभी चढ़ जाऊंगा इस पेड़ पे और अभी इस बिल्ली को नीचे उतार दूंगा। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। उन्होंने क्या किया, लैडर जो सीढ़ी है वो गार्डन का जो टीन शेड बना हुआ था, बगीचे में जो टीन शेड था वहां से निकाली, उसे लगाई, इट स्लिप्ड, वो फिसल गई, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और खुद जो पिताजी हैं वो भी कहाँ है, बगीचे में जो क्यारियां थी वहां गिर गए। तो पिताजी जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में आए थे बिल्ली को उतारने के लिए, जैसे उन्होंने ये सीढ़ी लगाई तो उसको लगाते ही वो नीचे धड़ाम से गिर गए। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। पिताजी ने कहा नेवर माइंड, चिंता की कोई बात नहीं है, ब्रशिंग द डर्ट, अपने जो हेयर है, बाल है, अपना चेहरा है, अपने जो शर्ट और ट्राउजर जो पैंट है उन पे सारी मिट्टी को साफ करते हुए कहा कि चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। पिताजी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास प्लान बी है, दूसरा प्लान बी है, दूसरी योजना है, आप लोग रास्ते से दूर हट जाओ। मम सेड, मम ने फिर से कहा, मम ने फिर से कहा डोंट फॉल अगेन ओके, कि दोबारा मत गिर जाना, अपना ध्यान रखना। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच इट गो। पिताजी ने कहा दोबारा गिर जाऊंगा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, देन ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन ए ब्रांच इट गो। फिर उन्होंने क्या किया, उछल के एक शाखा को पकड़ लिया और उस पे लटक गए, और वो जो डाली है वो टूट गई। डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। डैड जो है वो सीधे धड़ाम से ठोकर खाके सीधे नीचे गिरे। मॉम सेड और मॉम ने कहा स्टॉप इट, रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, इस तरह से आप अपनी गर्दन जो है उसको तोड़वा लोगे। तो पिताजी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में पेड़ पे चढ़ने के लिए गए थे, फिर धड़ाम से गिरे, और मॉम ने कहा कि रुक जाओ वरना आपकी गर्दन टूट जाएगी। रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी। पिताजी ने कहा बकवास बंद करो, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है, अब हम क्या करेंगे, तीसरी योजना को काम में लेंगे। प्लान ए और बी के फेल होने के बाद में प्लान सी हम काम में लेंगे। इजी एज विंकिंग, जो पलक झपकाने जितना आसान है, टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे पेड़ पे आसानी से चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान है, जिस तरह से तुम आसानी से पलक झपकाते हो वैसे ही मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। फिर पिताजी ने क्या किया, हमारे जो गार्डन में जो
दीवार बनी हुई है उस पे पिताजी चढ़ गए और देखो क्या हुआ, ही डिडंट फॉल। इस बार वो दीवार से नहीं गिरे। लगता है डैड का जो प्लान सी है वो काम करेगा। ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। उन्होंने एक वहां से बहुत ही जबरदस्त लीप लिया, जंप लिया, उछाल ली, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो सीधे गिरे कहां, इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो ट्री जो है पेड़ का जो तना है जो बीच में से दो हिस्सों में बटा हुआ है, सीधे वहां पे उन्होंने लैंड किया, वहां सीधे पहुंच गए राइट ऑन द कैट, और कैट भी वहां बैठी थी, सीधे वो बिल्ली के ऊपर जाके कूदे। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। द कैट गेव अ येल, कैट जो है बिल्ली जो है बेचारी चिल्ला पड़ी, चीख उठी, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और स्प्रिंग उछल के सीधी ग्राउंड पे आ गई। Pleased as punch to be safe and sound. वो बहुत खुश हुई कि वो सीधा धड़ाम से नीचे आके जमीन पे सुरक्षित आ चुकी है। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. इसलिए ये जो कैट है वो स्माइलिंग मुस्कुरा रही है, स्मिर्किंग खिलखिला रही है, स्मग एज कैन बी, और अपने आप में स्मग है, संतुष्ट है कि उसका काम हो गया, वो पेड़ पे अब अटकी हुई नहीं है, फंसी हुई नहीं है। बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन मेरे बेचारे पिताजी स्टिल स्टक अप द ट्री, वो अभी भी पेड़ पे फंसे हुए हैं। तो ये कविता बता रही है एक परिवार के बारे में जिनमें जो पिताजी हैं जो बहुत बहादुर हैं, वो क्या बहादुरी का काम करने जा रहे हैं, वो पेड़ पे फंसी हुई जो बिल्ली है उसको उतारने जा रहे हैं, और वो अलग अलग प्रकार की योजनाओं को काम में लेते हैं, पर अक्सर उनकी योजनाएं असफल हो जाती है, और दो बार असफल होने के बाद में तीसरे प्लान में वो सीधे पेड़ पे कूदते हैं और बिल्ली उनके नीचे आते आते रह जाती है, और बिल्ली नीचे कूद जाती है, परंतु समस्या वैसे की वैसी होती है क्योंकि पिताजी हैं वो अब पेड़ में फंस चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब